ભાવનગર માં 900 સફાઈ કર્મચારીઓ ની હડતાલ નું એલાન કર્યું છે। આજે ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ના 900 જેટલા સફાઈ કર્મચારીઓ સફાઈ થી અળગા રહ્યા છે। ડ્રેનેજ માં બચાવવા ઉતરેલા કર્મચારી નું ગુંગળામણ ના કારણે મોત થયું હતું, જેના કારણે પરિવાર ના સભ્યો એ અન્ય પરિવાર ના સભ્ય ને સરકારી નોકરી આપવાની માંગ કરી છે, ઉપરાંત તાત્કાલિક સરકારી રકમ ચૂકવવાની પણ માંગ કરી છે। चौदह वर्ष वनवास पछी भगवान श्री राम सीता अने भाई लक्ष्मण साथे अयोध्या पाछा फर्या। आ आनंद में ज अयोध्या शहर ने हजारों दीवाओथी शृंगारवामां आवे छे। तेना प्रतीक रूपे आ वर्षे पण अयोध्या में भव्य दीपोत्सव नुं आयोजन थयुं छे। सरयू नदी 51 घाटो पर 21 लाख दीवा प्रगटावामां आवशे, जे फरी एक वार वर्ल्ड रेकॉर्ड बनावशे। तमाम 51 घाटो पर दीवा प्रगटावानुं काम योग्य रीते अने सुचारू रीते थाय ते माटे 12 सुपरवाइजर तैनात कराया आवे छे। आ साथे 95 घाट इन्चार्ज अने 1000 थी वधु घाट संयोजकों पण तैनात करवामां आव्या छे। गत वर्षनी शरूआतमां अयोध्याए 17 लाख थी वधु दीवा प्रगटावीने गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डना नाम नोंधाव्यु हतु। आ वखते अयोध्यामां 21 लाख दीवा प्रगटावामां आवशे अने पोतानो ज रेकॉर्ड तोड़वामां आवशे। देख पाएंगे कॉमन बिल्डिंग कोड यहां पर लागू किया गया है ताकि पूरी अयोध्या एक जैसी नजर आए, पूरी अयोध्या राम की अयोध्या नजर आए। तो आने वाले दिनों में जब जो निर्माण कार्य चल रहे हैं वो अंतिम परिणाम तक पहुंच जाएंगे, उसका जो अंतिम रूप निकल कर आएगा वो बताएगा कि कैसे वो अयोध्या को दिव्य और भव्य बना रहा है। तो ऐसा नहीं कि अयोध्या में सिर्फ दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, बल्कि समूचे अयोध्या में विकास की एक नई गाथा लिखी जा रही है। चाहे हम सड़कों की बात करें, चाहे हम इमारतों की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें, हर तरफ विकास की एक नई गाथा लिखी जा रही है। हम राम की पैड़ी की बात कर लें तो उसकी तस्वीर ही हमें बीते कई वर्षों से इस बार अलग वहां पर नजर आ रही है। सरयू घाट की बात करें तो वहां पर साफ सफाई निरंतर चल रही है, घाटों का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। तो ये जो आज की अयोध्या है अनुपम, इसकी तस्वीर बिल्कुल बदली हुई है। ये वो वाली अयोध्या नहीं है जिसको विवाद के लिए जाना जाता था, ये वो अयोध्या है जिसको विकास के लिए जाना जाता है। ये बिल्कुल नई अयोध्या है, ये योगी आदित्यनाथ के सपनों की अयोध्या है, ये प्रधानमंत्री मोदी के संकल्पों की अयोध्या है जिसकी तस्वीर राम भक्त देख पाएंगे। कॉमन बिल्डिंग कोड यहां पर लागू किया गया है ताकि पूरी अयोध्या एक जैसी नजर आए, पूरी अयोध्या राम की अयोध्या नजर आए। तो आने वाले दिनों में जब जो निर्माण कार्य चल रहे हैं वो अंतिम परिणाम तक पहुंच जाएंगे, उसका जो अंतिम रूप निकल कर आएगा वो बताएगा कि कैसे वो अयोध्या को दिव्य और भव्य बना रहा है। तो ऐसा नहीं कि अयोध्या में सिर्फ दिव्य और भव्य राम मंदिर का तरफ अमदावाद की साबरमती नदी में अनेक लोग आपघात करता हो, तरह जो हमें कोई आपघात करने विचार है तो चौक्स विचार बदलाई जैसे। अमदावाद महानगरपालिकाए नदी ब्रिज पर बेनरो लगवाया है, जमा लख्यू है कि आपघात के अँ कोई समस्या निवारण नहीं, ए साथ ज एक टोल फ्री नंबर पर जाहिर कर नदी ब्रिज पर आपघात केस अटकवा लोखंड की जाड़ियों लगवाई है, परंतु तम छता आपघात कर रहा है जी आ बेनर लगा लोग आपघात न करें बेनरो लगवाया। अमदावाद पूर्व ने पश्चिम विस्तार ने जोड़वा अनेक ब्रिजों नगरपालिका द्वारा बनाया है। ब्रिजों लोगों वाहनों अवर जवर माटे तो चोक्कसपणे लोगों ने राहत आपे छे, परंतु आ ब्रिजों उपयोग लोग आत्महत्या माटे पण करता हुए छे। कारण के जे आंकड़ाओ सामे आव्या छे फायर विभागना तेनी अंदर चौंकावनाराओ छे के जे पण ब्रिजों बनेला छे पूर्व ने पश्चिम ने जोड़ता साबरमती नदी पर आवेला ए ब्रिजों पर लोग है छलांग मारी ने आत्महत्या आपघात है करता हो नगरपालिका द्वारा आ जारी पर लगावामां छे, परंतु तेम छता पण एक नव कुतहल जोवा मळी रह्युं छे। हुं आपने दृश्य बतावानो प्रयास करीश के ज्यारे पण आप ब्रिजनी पसार थता हशो त्यारे तमने का बोर्ड वाँचवा मळशे। ए बोर्डमां लख्युं छे आत्महत्या ए कोई पण प्रकारनी समस्यानुं निवारण नथी। कोई एनजीओ छे, नगरपालिकानुं बोर्ड छे अने साथे ज टोल फ्री नंबर पण अहीं जाहेर करवामां आव्यो छे। खास करीने हुं एटला माटे आपने आ बतावानो प्रयास करी रह्यो छुं के आपने चोक्कस पण ज्यारे पण आप आ रोड उपरथी पसार थशो, आ ब्रिज उपरथी पसार थशो, एटले आपने सवाल तो चोक्कस थशे के आ प्रकारना बोर्ड अत्यार सुधी नहोता, पण अत्यारे हवे आ बोर्ड केम लगाड़वामां आव्या। आ लगाड़वामां पाछळनो मुख्य कारण ए छे के ब्रिजना बंने छेड़ा उपर आ बोर्ड छे के जेथी लोको जे आत्महत्या करी रह्या छे, क्यांक डिप्रेशनमां आवीने आपघात करी रह्या होय छे, क्यांक कोई प्रेममां નિષ્ફળતા મળે ત્યારબાદ તે લોકો આત્મહત્યા કરતા હોય છે, અને ભૂતકાળમાં ઘટનાઓ પણ બની ચૂકી છે કે અમદાવાદ શહેરના જે બ્રિજો છે તેમાંથી લોકો છલાંગ મારીને સાબરમતી નદીમાં
કૂતરાઓ છે ને આત્મહત્યા છે તે કરતા હોય છે, આપઘાત છે તે કરતા હોય છે, ત્યારે મહાનગરપાલિકા એક નવતર પ્રયોગ કહી શકો સામાજિક સંસ્થાને સાથે રાખીને આ બોર્ડો બનાવ્યા છે, આ બેનરોના માધ્યમથી લોકોને એક અપીલ પણ કરી રહ્યા છે કે આત્મહત્યા એ સમાધાન નથી, તેને સમસ્યાને નિવારી શકાય છે, પરંતુ જે શબ્દ છે આત્મહત્યા એ કોઈ પણ પ્રકારની સમસ્યાનું નિવારણ નથી, એટલે લોકોને પણ અપીલ છે, લોકો પણ જ્યારે આ બોર્ડ જોશે ત્યારે ચોક્કસ પણ તેને કુતૂહલ તો જોવા મળશે જ. પ્રણવ પટેલનો અહેવાલ, ન્યૂઝ 18, અમદાવાદ.